तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा का। आगे आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा के बारे में बताने वाला हूँ कि कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुआ है, कॉलेज में फैकल्टीज कैसे हैं, कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ कॉलेज में आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता है, इन सारे टॉपिक पे आगे इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको छपरा कॉलेज की कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव बातों को भी बताने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस कॉलेज की कुछ निगेटिव और पॉजिटिव बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बी4 ट्रिक्स। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए कॉलेज के बारे में साथ में जानते हैं। तो आगे हम बात करें LNJIT छपरा कॉलेज की, तो सबसे पहला बात ये आता है कि कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुआ है। तो कॉलेज सिंपली इस्टेब्लिश हुआ है 2012 में। साथ ही साथ कॉलेज का बिल्डिंग स्टेटस पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी कि कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आपको इस कॉलेज का अपना परमानेंटली कैंपस भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे हम बात करें ऑनरशिप की, तो ये कॉलेज गवर्नमेंट है। आगे हम बात करें इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, तो इस कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है www.lnjpit.com। आप सिंपली इसे गूगल में सर्च कर इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आगे बात आती है इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस को लेकर, तो अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके एडमिशन को जो काउंसिल करती है वो BCEC बोर्ड काउंसिल करती है। साथ ही साथ आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपको 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 12th में मिनिमम 40% मार्क्स कंपलसरी है इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर। आगे हम बात करें इस कॉलेज के कटअप के बारे में, तो इस कॉलेज का कटअप सिंपली 60-70% के बीच में वैरी करते रहता है। अगर आपके जेई में 60-70% के बीच में इसको रहे तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। आगे इस वीडियो में मैंने UGEC के कटअप को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि UGEC का कटअप हर साल बदलते रहता है। तो मैंने सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में UGEC के 2020 के कटअप का लिंक प्रोवाइड कर दिया। आप सिंपली उस लिंक को टच कर भी UGEC के 2020 का कटअप देख सकते हैं। अब बात आती है इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने का, तो इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 2100 रुपया वन टाइम लगेगा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी फ़ी की बात करें तो आपको 3200 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। साथ ही साथ हॉस्टल फ़ी की बात करें तो वो आपको 7200 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। साथ ही साथ मेस चार्ज की बात करें तो वो आपको 2600 रुपये पर महीने लगेंगे। साथ ही साथ आगे हम बात करें डेवलपमेंट फ़ी की, तो आपको 2500 रुपये पर ईयर लगेगा। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फ़ी की बात करें तो वो आपका 2500 रुपया पर ईयर लगेगा। साथ ही अब आगे बात करें तो इस कॉलेज में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech को लेकर आपको कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपली 5 कोर्स को मेंशन करके रखा गया है। पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और सबसे लास्ट है अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी। तो ये 5 कोर्स को सिंपली इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन करके रखा गया है। लेकिन प्रेजेंट में इस कॉलेज में 4 ही ब्रांच को लेकर पढ़ाई होती है, जिसमें पहला है सिविल इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीट को लेकर पढ़ाई होती है। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें भी 60 सीट को लेकर पढ़ाई होती है। आगे बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो उसमें भी 60 सीट को लेकर पढ़ाई होती है। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें भी 60 सीट को लेकर इस कॉलेज में पढ़ाई होता है। तो अब बात आती है कि इस कॉलेज में टोटल 4th ईयर में BTech कोर्स कंप्लीट करने में आपको कितने का खर्च आएगा, तो वो आपको 30-35 हज़ार रुपये इस कॉलेज से पूरे 4th ईयर के BTech कोर्स को कंप्लीट करने का खर्च आएगा। आप कोई भी स्ट्रीम से हो वो डिपेंड नहीं करता है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपको 30-35 हज़ार में इस कॉलेज में पूरे 4th ईयर के BTech कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात आती है कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी कॉलेज के तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे सिंपली जो जो फैसिलिटी को मेंशन करके रखा गया है उसमें सबसे पहला है कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, गेस्ट हाउस, जिम, बैंक, क्लब, वाईफाई, इन सभी फैसिलिटीज़ को कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन करके रखा गया है।
आगे हम बात करें तो ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जिस जिन फैसिलिटी को मेंशन करके रखा गया है, सिंपली वो सारी फैसिलिटी आपको कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है। अब बात आती है इस कॉलेज के हॉस्टल और कैपेसिटी के बारे में बात करने का, तो इस कॉलेज में सिंपली बॉयज़ के लिए 4 हॉस्टल बनाए गए हैं जिसकी कुल कैपेसिटी 600 है, साथ ही साथ गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल बनाया गया है जिसकी कुल कैपेसिटी 100 है। तो अब बात आती है कि इस कॉलेज में हॉस्टल और मेस का कुल कितना खर्च पड़ता है, तो वो आपको 24 से 25 हज़ार रुपये पर ईयर इस कॉलेज में आपको हॉस्टल और मेस दोनों इंक्लूड करके चार्ज पड़ेगा। अब आगे बात करें तो ये कॉलेज अप्रूव्ड है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से, साथ ही साथ एफिलिएटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना से। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है वो ये आता है कि इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां प्लेसमेंट देने को आती है, तो इस कॉलेज में इंडियन ऑयल हो गया, DRDO हो गया, प्रिज्म सीमेंट हो गया, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट देने को आती है। साथ ही साथ बात करें इस कॉलेज के एवरेज पैकेज का, तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 2.5 लाख पर एनम है, साथ ही साथ हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो आपको 4 लाख पर एनम मिलेगा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज। तो अब बात आती है इस कॉलेज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करने का, जिससे कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको इस कॉलेज के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो इस कॉलेज का जो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ इस कॉलेज की अगर हम दूसरी निगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करें, तो इस कॉलेज का जो दूसरा सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस कॉलेज में लाइब्रेरी बड़ी नहीं है। इस कॉलेज में लाइब्रेरी है वो एवरेज है, मगर ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिससे कि आपको अपने स्टडी के अलावा कोई भी बुक अगर इस कॉलेज से लेना हो तो वो इस कॉलेज में आसानी से प्रोवाइड नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कॉलेज की एक दो निगेटिव पॉइंट। आगे हम इस कॉलेज के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, तो इस कॉलेज में बहुत सारे ही पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में हॉस्टल मिल जाता है। साथ ही साथ आगे अगले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इस कॉलेज का कैंपस एरिया वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सिंपली इस कॉलेज का जो कैंपस है वो 40 से 45 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये आपके लिए एक ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही साथ इस कॉलेज में आपको रैगिंग काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस कॉलेज की जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें आपको एक साथ 80 से 90 स्टूडेंट बैठने की कैपेसिटी भी मिलेगी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस कॉलेज की कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। साथ ही साथ आप इस कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम ID का लिंक सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।